सो व्हाट इज़ अ पीपल, कैसे हो आप लोग? तो सबके सब बड़े हो गए, अपने अपने घर में हो गए, सेफ हो गए। तो ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली, क्योंकि तुम लोग को पता ही है कि एपेक्स लेजेंड जो है वो मोबाइल पे फाइनली आ चुका है, और मेरे पास भी वो आ चुका है एपेक्स लेजेंड मोबाइल पे। तो मैंने कैसे डाउनलोड किया वो भी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और ये वीडियो जो होने वाली है बहुत अमेजिंग होने वाली, गेम प्ले वीडियो जिसमें मैंने किए हैं टोटल समथिंग 18 to 19 किल्स, तो वो भी 34,000 के डैमेज के साथ। तो वो तुम देखो, और मेरा पहला गेम प्ले है ये एपेक्स लेजेंड का, तो अब कैसा होने वाला तुम देख लेना, और बीच बीच में तुमको बताता रहूँगा। तो लेट्स गो एंड एन्जॉय इट। सो गाइस, मुझे यहाँ पे पहला बंदा मिला, और वो पता नहीं ये ऑक्टेन, भाई ऑक्टेन क्या कर रहा है भाई, यहाँ से वहाँ, खाली यहाँ से वहाँ दौड़े जा रहा है। तुम देखना जा रहा है इसकी फनी क्लिप, भाई खाली यहाँ आता है, कभी वहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है, वहाँ जाता है। तो मुझे बहुत परेशान किया, तो फिर मैंने इसको फाइनली ख़त्म कर दिया। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एमओ भी वेस्ट हो गई। तो पहला किल तो हमारा कन्फर्म हो चुका है, अब दूसरे किल की तरफ चलते हैं। तो नॉक एंड फिनिश, दूसरा किल भाई, अब कैसे करें भाई। एक तो ये गेम बहुत लैग हो रहा था मेरा, क्योंकि तुम जानते हो लो एंड डिवाइस का क्या होता है, और वैसे गेम बहुत लैग हो रहा था, और मेरे पे एमओ भी खत्म हो गई थी। मैं एमओ के लिए बहुत तरसा, तो जब मुझे एमओ मिली तो हमने ये तबाही करी। सो गाइस, फाइनली एमओ मिल गई, और मुझे सामने भी पता चल गया कि एक एनिमी है सामने, तो उसको जाके ख़त्म करते हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस, फाइनली मैंने इस बंदे को मार तो दिया, लेकिन इसने बहुत दौड़ाया, और ये गेम बार बार लैग हो रहा है, इसका मैं क्या करूँ। तो इसको मैं देता हूँ एक बार किल फिनिश, फिनिशर दे देता हूँ इसको एक बार। तो तुम देखो क्या ऑसम फिनिशिंग है, और इसके बंदे भी इसको बचाने के लिए आ रहे थे, तो उनको भी ख़त्म करते हैं। तो तुम देख लो एक बार, जल्दी से एमओ वगैरह उठा लेते हैं इसे, और तो गाइस इसका बंदा इसे बचाने आया था, और भाई क्या ही बचाएगा भाई, मैंने इसको फिर इसको भी हम फिनिशर देंगे इसके बंदे की तरह। तो लेट्स गो फिनिशर। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे किल, मतलब अभी किल्स पे किल्स तो करना ही हमको, और यहाँ पे मैं बन चुका हूँ किल लीडर। तो जिन लोगों को नहीं पता भाई, एपेक्स में अगर तुम ज़्यादा किल करोगे जितनी पूरी लॉबी में, तो तुम किल लीडर बन जाओगे। तो ये एपेक्स पबजी कर रहा हूँ, एपेक्स पीसी में था, और इस चक्कर में ये एपेक्स मोबाइल में भी डाला गया है। तो यहाँ पर एक और बंदा था, इसको जल्दी से मारते हैं, देखो कैसे मारेंगे इसे। अब मैं क्या बोलूँ गाइस, मतलब एक के साथ एक फ्री, इसको तो मैंने मारा, उसके साथी को भी मार दिया, मतलब खाली उस मेरे बंदे ने, ऑक्टेन ने खाली एक बुलेट उसने का छोड़ा था, और मैंने एक बुलेट खाली टच करी और ये मर गया। तो हम बढ़ते हैं भाई जल्दी से यहाँ पे लूटपाट करके नेक्स्ट बंदों की तरफ, और मेरे 5 किल ऑलरेडी हो चुके हैं। और तुम जानते हो भाई, एपेक्स में इतने किल कर देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वैसे ही लॉबी बहुत छोटी होती है, 20 क्वेड्स की लॉबी होती है जिसमें खाली 3-3 बंदे होते हैं। तुम लगा लो भाई कितने ही बंदे होते होंगे एक लॉबी के अंदर, ये पबजी ऐसा तो है नहीं, बीजेएमआई जैसा तो है नहीं, इसलिए इसमें बहुत कम बंदे होते हैं, और इतने किल्स करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट किल की तरफ, और यहाँ पर ऑक्टेन भाई और मैं, मेरा गेम बहुत लैग हो रहा था फ्रीजी, क्योंकि तुमको पता है भाई मैं अपने वीपिन लगा के खेल रहा हूँ, और वीपिन लगा के खेलने के बाद भी इतने अच्छे किल्स, भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो नेक्स्ट किल्स की तरफ चलते हैं। सो गाइस, हम लोग नीचे तो आए थे लूटने के लिए, लेकिन ऊपर से जल्दी से ऑक्टेन के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइट होने लग जाती है। तो फिर मैंने उसका शील्ड तो ब्रेक कर देता हूँ, मतलब मार मार के, लेकिन अब मुझे जाके फिनिश करना होगा उन सबको। और तो चलते हैं उनको फिनिश करने के लिए। तो देखिए आप ये क्लिप भी, तो गाइस इस बंदे की यहाँ पे गलती ये होती है कि बबल बना के और बाहर चले जाता है, मैं भाई दोनों बंदों को ले जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे हो जाते हैं 7 किल्स कंप्लीट, और मेरा बंदा पता नहीं कहाँ ही नशे कर रहा है भाई, कहाँ घूम रहा है, और यहाँ पे मैं फाइट ले रहा हूँ।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऑक्टेन भाई मुझे वैसे ये पर्सनली मोबाइल में एक करेक्टर बहुत अच्छा लग रहा था, और ये बार बार जो लैग हो रहा था मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सपोर्ट दिखाओगे अपना अच्छा खासा तो ये भी फिक्स हो जाएगा जल्दी। तो अपना सपोर्ट दिखाओगे इस मतलब सब्सक्राइब वगैरह करो चैनल को, तो हम ऐसे और कॉन्टेंट ऐसे लाते रहेंगे, औसम कॉन्टेंट। तो चलते अपने नेक्स्ट बंदों की तरफ। तो यहाँ से तो हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि जोन भी यहाँ पे एंड हो रहा था, तो आगे हम चलते हैं जोन के अंदर। तो यहाँ पे यहाँ से जो फाइट्स होने वाली है बहुत अमेजिंग होने वाली है, मतलब खुले में बहुत ही ज़्यादा फाइट्स होंगी। तो तुम पूरी वीडियो देखना ध्यान से, क्योंकि इससे तुमको कुछ सीखने को मिलेगा। और जो कंट्रोल्स देख रहे हैं मैंने चेंज कर रखे हैं, क्योंकि भाई तुमको पता है ऐसे कंट्रोल्स नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर मैं जैसे ही इसको गिराता हूँ तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि मेरा जो बंदा ऑक्टेन है वो किसी से फाइट कर रहा है। तो जल्दी से चलते हैं उसके पास और उसको बचाते हैं फिर बंदों से, और स्मोक डाल देते हैं सबसे पहले तो। सो जिन लोगों को नहीं पता, ये जो लेजेंड है इसको लेजेंड बोलते हैं। ये जो लेजेंड है इसकी जो स्पेशलिटी है कि ये स्मोक फेंकती है, और बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी स्पेशलिटी कि ये वो एयरक्राफ्ट से क्या नाम है ये वहाँ पर तबाही मचवा देती है। तो ये बहुत अच्छी इसकी क्या नाम है एक अल्ट है इसका। तो हम चलते हैं, अब इसको तो हमने डाउन कर दिया, अब इसको भी डाउन कर ही देंगे, ढूंढ के डाउन करेंगे। तो मेरे 7 किल्स हो चुके हैं यहाँ पर और एक डाउन हो चुका है, और ये मेरा फिनिश ख़त्म। तो मेरे यहाँ पे टोटल 9 किल्स कंप्लीट हो गए, और फिर से लैग होने लग गया, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई ग्राइंड करने में लगा हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट किल की तरफ। और यहाँ पे हम इन्हें ख़त्म ही कर रहे थे कि हमको सामने से और बंदों की आवाज़ें आने लगी, तो हम जल्दी से उधर चलते हैं और उनको मारते हैं। सो गाइस हम मैप के दूसरे फेज में आ चुके हैं, मतलब दूसरा जोन था, थर्ड जोन है ये। तो हम इसके अंदर घूम रहे थे कि पीछे से फायर होने लग गया, और पीछे आके दोनों से फायर होने लग गया था भाई। तो मैं कंफ्यूज हो गया मुझे कहाँ मारना है। तो फिर यहाँ पे एक था बंदा, और देखो यार यहाँ पे कितना गंदा किल चोरी हुआ, मतलब मैंने उसको इतना डैमेज दिया, मेरा खाली लैग की वजह से मेरा किल चला गया, वरना यार ये किल मेरा था। ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो इसके और भी बंदे आ रहे होंगे। उससे पहले मैं जल्दी से शील्ड को कर लेता हूँ रिकवर, और उसके बाद चलते हैं उनको मारते हैं। एक स्मोक डाल देते हैं जिससे कि उसको वो मतलब थोड़ा ब्लॉक हो जाए। उसके बाद ये देखो यार मैं पूरा डैमेज दे रहा हूँ, नॉक वो ले रहा है यार, ये बहुत बुरी बात थी, वरना मेरे और हाइएस्ट किल बन जाते। कोई बात नहीं, चलो अब ये भी बहुत हाइएस्ट है। तो यहाँ पर ही आ रहा था, ओहो बच गया हल्का सा, चलो इसको मार। तो बस इसको भी मैंने मार दिया है। तो अब हम अपने मतलब अभी तक हम लोग किल लीडर में हैं, और किल लीडर अभी भी हैं हम लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा किल कर रखे हैं भाई। इतना किल भाई कौन करेगा भाई इस लॉबी में। तो भाई तुम्हारा भाई भाई ओपी खेलता है, और ओपी क्या मतलब मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रहा हूँ। कोई बात नहीं यार चलता है, कभी कभी कर लेनी चाहिए। और मुझे लगा पीछे से कोई मुझे मार रहा है, लेकिन अब मुझे ऐसा था कि भाई मैं हम दो ही थे, तीसरा बंदा छोड़ चुका था मैच। तो मुझे लगा कि नहीं मुझे अकेले फाइट नहीं लेनी चाहिए, मुझे आगे जाना चाहिए अपने बंदे के पास। तो मैं वहाँ जाता हूँ और फिर इन लोग की बैंड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं तुम लोग को अब पता चलेगा। सो गाइस मैं यहाँ पे आने के बाद शील्ड रिकवर कर रहा था इतनी देर में, वही वजह से मुझे पता था ये लोग आएंगे और ये हमला हम पे बोलेंगे। तो हमने उससे पहले ही मैंने इनको डरा दिया है, इनकी शील्ड क्रैक्स कर दिए। ये लोग कहेंगे भाई कैसा बंदा भाई इतनी दूर से मार रहा है। तो भाई इनको इन लोग को नहीं पता हम भाई BGMI प्लेयर है एक तरीके से, बहुत पहले से PUBG खेलते थे, तो उनको नहीं पता है भाई जो ये अभी अभी आए हैं। तो चलिए इन सब की बैंड बजाते हैं कैसे, अब आपको इस क्लिप में दिखेगा, बहुत मज़ा आएगा। मैंने सबको ही पहला एक्चुअली, क्योंकि लेकिन किल्स भी मेरे यहाँ चोरी हुए हैं, लेकिन ठीक है। तो देखो ये देखो भाई डैमेज देख रहे हो तुम्हारा, मतलब रेड डॉट से, रेड डॉट बोलोगे तुम इसको, क्योंकि 1x स्कोप है इससे इतना दूर का। मैं मतलब ये देख रहे हो भाई, मतलब तुम ये देख रहे हो एक भी बुलेट मेरी, रिकॉयल देखो तुम यार इसका रिकॉयल। बस मेरा थोड़ा क्लोज रेंज थोड़ा ख़राब, क्योंकि जैरो इसकी अलग है और अपनी BGMI की अलग थी। कोई बात नहीं ये भी ले लिया भाई, अब तो प्रो गए हैं। तो चलो सबको मारते हैं यहाँ पे, फिर आपसे बातें करते गाइस। मैंने यहाँ पे दोनों टीम के, एक टीम के 2 बंदे और एक टीम के 1 बंदा मतलब डाउन कर दिया था। और उतनी देर में भाई यहाँ पे और एक और पार्टी हम पे अटैक कर देती है, वो थोड़ा मज़ा लेती है कि चलो ठीक है एक और पार्टी है। तो भाई वो बीच के मतलब ये समझो हम लोग गेम खेल रहे हैं आपस में, वो बीच में आके हमारी बॉल चुरा रहे हैं। तो बॉल ऐसे तो चुराने देंगे नहीं हम उनको, हमारा बैट है, हमारी हमारा हमारी
हमारा फील्ड है तो हमारी बॉल भी है, तो कैसे हम लोग उनको चुराने दे। तो हम ये मुहावरा था भाई, इसको ऐसे मत लेना। तो ये लास्ट बंदा इसने ख़त्म कर दिया। तो अब यहाँ पर मेरे हो चुके हैं 13 kills। तो तुम देखो ये और भी मज़ेदार होने वाला, क्योंकि यहाँ पे और भी पार्टीज आ जाती है लड़ने के लिए। तो यहाँ पे दो पार्टी अपने आपस में लड़ रही होती है, तो मैं उसका फ़ायदा उठाता हूँ। और देखो मैं कितना डैमेज देता हूँ, ये बंदा नॉक हो के नहीं देता यार। मतलब ये सोचो अगर रिलोड नहीं होती ना एक गोली और, बस ये नॉक था। और फिर मैंने सबको क्रैक करता हूँ भाई। तुम रेड डॉट भाई स्प्रे, भाई इसमें स्प्रे जो प्यारा सा स्प्रे जा रहा है ना भाई, मतलब प्यार हो गया भाई स्प्रे में। और इस बंदे को इतना डैमेज देता हूँ, एंड में ये किल ले जाते हैं यार। देखो भाई कोई बात नहीं, अब इनको भी ख़त्म करते हैं जल्दी से। इनको पकड़ के मारूंगा, तुम देखो कैसे मारता हूँ पकड़ के। मतलब लिटरली अगर मैं यहाँ पे मर जाता ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, मैं फ़ोन तोड़ देता। क्योंकि मतलब इतने नोटिफिकेशंस, इतने नोटिफिकेशंस भाई, मतलब मर जाता भाई मैं यहाँ पे। तो मुझे बहुत रेज होता, क्योंकि इतने किल्स हो चुके थे, 14 किल्स ऑलमोस्ट मेरे हो गए हैं, और मैं यहाँ पे मर जाता, मेरा दिमाग खराब हो जाता। चलो यहाँ पे जैसे मैं लूटा था, इतनी देर में मेरे पे फायर आने लग जाता है, तो फिर मैं भागने लग जाता हूँ इधर से उधर। तो चलते फिर उन बंदों को ही मारते जो हम पे फायर कर रहे थे। बाकी एक बंदे को डाउन कर देता हूँ, बाकी मैं एक बंदे को डाउन कर देता हूँ, और इसकी भी यहाँ पे स्क्वाड ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये दो ही थे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी साझेदारी हमारी चल रही थी, मतलब मेरी और ऑक्टेन की। तो बहुत बढ़िया लग रहा था कि मतलब साथ में बंदा साथ खेल रहा है और इतने अच्छे किल्स निकाल रहा है। एक तो हम बढ़ाएँ, मतलब देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एपेक्स गेम जो है ना वो बहुत प्यारा है, आप उसके ऊपर ट्राई तो करो। अगर आपके मतलब एंड्रॉयड वर्जन में आ जाए या iOS वर्जन में आ चुका है, तो एक बार आप VPN लगा के ट्राई करो, लेकिन ट्राई करो, क्योंकि ये गेम इतना प्यारा है कि मतलब एक बार तुम खेलोगे ना, एक बार तुम खेलोगे तुमको इसका मतलब अंदर से तुम ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मुझे ये गेम खेलनी चाहिए, क्योंकि ये गेम बहुत ऑसम है। PC में मैंने खेली है, मेरे पास PC है, मुझे पता है भाई कि ये गेम कितनी ऑसम है, मैं डेली खेलता हूँ इस गेम को PC में। लेकिन अब फ़ोन में आ चुकी है, तो फ़ोन में तुम लोगों को ग्राइंड करके दिखाऊंगा, क्योंकि PC इतना भाई पॉपुलर नहीं था। तो मैं फ़ोन में बोलना चाहता हूँ भाई जो एपेक्स की कम्युनिटी है उसको बढ़ाओ, और इस गेम को भी पॉपुलर करो। ये गेम आया है तो इसमें भी भाई बहुत सारे इवेंट्स आएंगे, तो उसमें हम ट्राई करेंगे, अगर तुम लोग अच्छा सपोर्ट दोगे तो भाई। तो यहाँ पे मैंने अल्ट किया था, तो इतनी देर में मैंने देखा किसी का शील्ड क्रैक हुआ, तो इसका मतलब कोई तो था पीछे। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं ठीक है, मैं इस साइड आ जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ। यहाँ पे एक फाइट हो रही थी, बीच में घुस के मैं उसको मार देता हूँ भाई, देखो। तो बस यहाँ पे मैं लास्ट बंदा मार देता हूँ, मैं यहाँ पे मरते मरते बचाऊँ, क्योंकि भाई मेरी गन नहीं टैप हो रही थी, मैं परेशान हो गया था, मेरे फ़ोन का थोड़ा स्क्रीन ख़राब है इस वजह से। लेकिन ठीक है, हम लोग ये मैच जीत चुके हैं, और हम लोग ये मैच ऐसे नहीं जीते हैं, जो हमारा एक बंदा था ये तो पोपट भाई पोपट कर गया भाई, ये तो ऐसे ही चला गया था। तो हम गेम ऐसे नहीं जीते हैं, हम लोग गेम जीते हैं बहुत ही अच्छे किल्स थे। तो तुम देख लेना अभी स्टैट्स तुमको दिख जाएंगे किल के। तो एज यू कैन सी 17 किल्स विथ 3662 डैमेज भाई। ठीक है, ये मेरा पहला गेम था। कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और ऑसम कंटेंट के लिए, गेमिंग कंटेंट के लिए, मतलब मेरे चैनल पे गेमिंग कंटेंट ही आते हैं, तो गेमिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा।